नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो दिखने में तो बहुत ही साधारण सा दिखता है, लेकिन दोस्तों यह पौधा बहुत ही सारे गुणों से भरपूर होता है और इसके बहुत ही सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं जिसके बारे में अधिक लोग नहीं जानते। दोस्तों, यह पौधा वैसे तो आसानी से सब जगह पर मिल जाता है और दोस्तों इस पौधे का नाम है सदाबहार। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग इस पौधे के बारे में जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस पौधे के बारे में जानते नहीं हैं और यह किस तरीके से हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उन लोगों को यह वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, लोग इसके फूल को पूजा में भगवान पर चढ़ाने के लिए करते हैं और इसके पौधों को बिना काम का समझकर फेंक देते हैं, क्योंकि वो लोग केवल इतना ही जानते हैं कि इस पौधे के बारे में कि केवल यह पौधा फूल पूजा का जो फूल होता है उसी के काम आता है, बाकी इसका कोई और उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, यह सच नहीं है, क्योंकि यह सदाबहार का पौधा और इसका फूल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है और बहुत से आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। सदाबहार का एक छोटा सा झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसके पत्ते गोल, थोड़ी लंबाई के, अंडकार व अत्यंत ही चमकदार व चिकने होते हैं। दोस्तों, 5 पंखुड़ियों वाला यह पुष्प सफ़ेद, गुलाबी, फालसाई और जामुनी आदि रंगों में खिला हुआ होता है। पत्ते व फल की सतह थोड़ी मोटी होती है। इसके चिकने पत्तों के कारण ही पानी का वाष्पीकरण कम होता है, इसी कारण यह बड़ी आसानी से कहीं पर भी लग जाता है। लोग इसका उपयोग अधिकतर रूप में घर की सजावट के लिए भी करते हुए आए हैं। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं इसके कुछ बेमिसाल फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, सदाबहार के पौधे का पर्यावरणीय महत्व भी होता है, क्योंकि सदाबहार की पत्तियां जब इनका विघटन होता है तो उसके दौरान मिट्टी में उपस्थित जो हानिकारक रोगाणु होते हैं उसे यह नष्ट कर देता है। इसके अलावा सदाबहार की पत्तियों में 2 एल्केलॉइड पाए जाते हैं जो कि कैंसर को ठीक करने में सहायक होते हैं। इसलिए अगर हम कैंसर के रोगियों को इसकी पत्तियों की चटनी बनाकर या इसका रस निकाल कर दें तो उससे काफ़ी फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सुबह खाली पेट ही आपको कैंसर के रोगियों को देना है और वो भी सोच करने के बाद, तो यह ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा डायबिटीज़ में इस पौधे के फूल, टहनी आदि का रस पिए या इसकी चटनी बनाकर खाएं, तो रात को 5 पत्ते 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट सोच के बाद इस पानी को पिए, और चटनी भी खाली पेट ही लेनी है। इसको करने के 10 दिन बाद आपकी शुगर की जांच करवाएं। अगर दोस्तों आप अपनी शुगर की जाँच करवाएँगे उसके बाद आपको निश्चित ही इससे फ़ायदा दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, सदाबहार का पौधा हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अधिक प्रभावी है। अगर हम इसकी जड़ को साफ करके सुबह चबा चबा कर खाएँ या फिर दातुन की तरह चबा चबा कर इसका रस पीते हैं तो उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। सदाबहार की पत्तियों और फूलों को कुचलकर बवासीर होने पर इससे लगाने से जल्द ही आराम मिलता है। ऐसा प्रतिदिन आपको रात को सोने से पहले करना है और अगर आप ऐसा करते हैं तो बवासीर की जो शिकायत आपको है उससे आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, ततैया या मधुमक्खी के डंक मारने पर अगर हम सदाबहार की पत्तियों का रस लगाएं उस जगह पर जहाँ पर हमें मधुमक्खी या ततैया ने डंक मारा है तो उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी त्वचा पर घाव या फिर फोड़े पुंसी हो जाते हैं तो इसकी पत्तियों का रस दूध में मिलाकर लगाने से घाव पक जाता है और जल्दी ही जो मवाद होता है वह आसानी से निकल जाता है, जिसके कारण वह घाव ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और वह बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। सदाबहार की पत्तियों को तोड़ने पर जो दूध निकलता है उसे घाव पर लगाने से किसी भी तरह का संक्रमण नहीं होता है और घाव जल्दी ही सूख जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके दूध को खाज खुजली पर लगाने पर जल्दी आराम मिलने लगता है। सदाबहार के फूलों और पत्तियों के रस को मुहासों पर लगाने से भी मुहासे ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर
त्वचा पर यानी कि आपकी स्किन पर खुजली या फिर लाल निशान या किसी भी तरह की एलर्जी अगर आपको हो रही है तो इसकी पत्तियों का रस लगाने से आपकी वह सारी एलर्जी भी दूर हो सकती है। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार यह साधारण से दिखने वाला पौधा कितने काम का है और इसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसके द्वारा कितने सारे लोगों के घरेलू उपचार भी किए जा सकते हैं वो भी बड़ी आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।